रेहान मेरी बच्ची, चाय लाई हूँ, पी लो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेलिके। मेरी हालत बहुत खराब लग रही है ना। जब एमिर मेरे साथ होता है तो मैं सब छिपा लेती हूँ, पर जब मैं अकेली होती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया खत्म होने वाली और मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। बेटा ऐसा मत करो, खुद को इतनी तकलीफ मत दो। मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मेरा बच्चा अपनी माँ की कोख में कितनी परेशानी में है। मेरी बच्ची, हमें बस ऊपर वाले की पनाह में चले जाना है। उन्होंने मुसीबत दी है तो बाहर निकलने का रास्ता भी देंगे। पर ये बात मत भूलना कि डॉक्टर ने क्या कहा है। इससे आपका क्या मतलब है मेलिके? वो लोग अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं। तुम्हें उनका बताया रास्ता पूरी तरह से नकारना नहीं चाहिए बेटा। ये बहुत आसान है क्या मेलिके? आपको पता है जब कल रात मुझे लगा मेरा बच्चा चला गया है तो मुझे कैसा महसूस हुआ था? मुझे लगा किसी ने मुझसे मेरी सांसें छीन ली है। मुझे लगा मैं मरने वाली हूँ। मेरी बच्ची, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? एमिर के बारे में सोचो। मैं जानती हूँ पर मैं नहीं कर सकती, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तुम अकेले ये तकलीफ क्यों सह रही हो बेटा? एमिर से बात करो। आपको लगता है कि एमिर को पता चला तो वो मुझे फैसला लेने देगा?